नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विकास और आप देख रहे हैं विकास टेक। तो आज हम जो टॉपिक में बात करेंगे वो है अमेजोन का जो KYC है वो किस तरफ से आप लोग करें। सिंपल सा प्रोसेस है, किसी के पास नहीं जाना पड़ेगा, किसी को आपका घर का आने के लिए कॉल नहीं करना पड़ेगा, किसी का व्हाट्सएप पे लिंक हो के व्हाट्सएप पे जाके उसका डॉक्यूमेंट्स दे के वो भी कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। आप सिर्फ थोड़ा सा काम कर लीजिए घर में बैठ के, तो हो जाएगा। तो चलिए फटाफट से अमेजोन ओपन कर लेते हैं। ये अमेजोन, यहाँ पे जो 3 डॉट है यहाँ पे क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए जो अमेजोन पे है यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है अमेजोन पे, यहाँ पे क्लिक करिए। यहाँ पे देख सकते हैं सिंपल सा प्रोसेस में लिखा हुआ है KYC, देख सकते हैं KYC लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद यहाँ पे बोल रहा है, देखिए, कंप्लीट योर KYC टू कंटिन्यू लोडिंग अमेजोन पे बैलेंस। ये वो लोग बोल रहे हैं जो आपका लोडिंग, आप लोग जो आपका जो कार्ड से और UPI से जो भी मान लीजिए, जो भी एड्रेस है, जो भी पेमेंट सेटलमेंट से आप यहाँ पे जो बैलेंस लोड करते हैं अमेजोन पे बैलेंस पे, अमेजोन पे जो पेमेंट जो बैलेंस लोड करते हैं वहाँ पे 10,000 लिमिट रहता है, उसके ज़्यादा हो जाएगा, उसका मतलब 10,000 से 1,00,000 तक हो जाएगा आप लिमिट कर सकते हैं, ठीक है। वो एक मंथ में आप इतना 10,000 से ज़्यादा लिमिट नहीं कर सकते, बट वो लिमिट बढ़ जाएगा, 10,000 से ज़्यादा नहीं होगा। KYC करने के बाद वो लिमिट बढ़ जाएगा। तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे स्टेप 1, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है अपलोड योर पैन कार्ड। तो आप लोग क्या करेंगे, आपका जो पैन कार्ड है और एड्रेस प्रूफ है, वो एड्रेस प्रूफ यहाँ पे आधार कार्ड दे देना, ठीक है। यहाँ पे अपलोड पे नाम पे क्लिक करेंगे आप लोग। मैं तो KYC ऑलरेडी कंप्लीट कर दिया हूँ, इसलिए ये लोग ये दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, आपका ये ध्यान रखिए, जिसका पैन कार्ड और जिसका आधार कार्ड दे रहे हैं, अकाउंट का जो ओनर का नेम है उसको भी चेंज कर दीजिए। तो किस तरफ से आपको चेंज करना पड़ेगा वो भी आप जानते हैं कि नहीं जानते, हमें नहीं पता। तो चलिए मैं आपको बोल दे रहा हूँ। यहाँ पे 3 डॉट है, ये 3 डॉट पे क्लिक करेंगे। 3 डॉट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए जो आपको आएगा, योर अकाउंट देख सकते हैं, यहाँ पे योर अकाउंट में क्लिक करिए। यहाँ पे देखिए लॉगिन एंड सिक्योरिटी, यहाँ पे है ये जो बटन है, यहाँ पे क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं मेरा ऑल डिटेल्स यहाँ पे दिया हुआ है, फ़ोन नंबर वगैरह वगैरह सब कुछ दिया हुआ है। यहाँ पे एडिट कर देना पड़ेगा आपको, ये जो नाम और फ़ोन नंबर चेंज कर सकते हैं, यहाँ पे एडिट कर देना पड़ेगा आपको, जिसका नाम पे आप कर रहे हैं, ठीक है, उसका नाम देना पड़ेगा। और जो बहुत सारे बंदा बोल रहे हैं व्हाट्सएप में लिंक हो जाइए, यहाँ पर लिंक हो जाइए, आपका प्रॉब्लम जो है एक, हम लोग KYC किस लिए कर रहे हैं, हमारा एक प्रॉब्लम हो सकता है KYC नहीं करेंगे तो आपका जो अमेजोन पे बैलेंस है, यहाँ पे जो अमेजोन पे बैलेंस है, ये पे बैलेंस आप कभी भी काम, उसका मतलब वॉलेट जो है, पे बैलेंस का जो वॉलेट है, अमेजोन पे बैलेंस का जो वॉलेट है वो डीएक्टिवेट हो सकता है, बट ये जो बैलेंस है आप यूज नहीं कर सकते हैं, इसलिए हम लोग KYC कर रहे हैं। तो ये कर रहे हैं तो ये सिंपल सा प्रोसेस कर लीजिए। वहाँ पे ये KYC 2 प्रकार से होता है, एक है डिजिटल KYC और एक है एजेंट थ्रू KYC। आपका जब पैन कार्ड वो वगैरह वगैरह दे देंगे, वहाँ पे डिटेल्स दे देंगे, देने के बाद क्या कर, वो डिजिटल KYC में आपका हो जाएगा 2 और 3 वर्किंग डे, उसका मतलब 3 और 4 दिन के अंदर, 2 और 3 दिन के अंदर वो हो जाएगा KYC। इसलिए हम लोग KYC कर रहे हैं, मेरा जो वॉलेट में जो बैलेंस है उसका हम उपयोग करें, उसका प्रयास कर सकें, हम लोग यूज कर सकें। वो KYC नहीं करेंगे तो अमेजोन पे वाले ने बोल रहा है यहाँ पे वो पेंडिंग में पड़ सकता है बैलेंस, जो आपका पेंडिंग में यूज नहीं कर पाए कर सकते हैं, ठीक है।
और मैं तो हिंदी में ज़्यादा अच्छा नहीं बोल सकता हूँ, पहली बार बोल रहा हूँ। मेरा कंफर्टेबल लैंग्वेज है बंगाली, पर यूट्यूब में तो बहुत सारे बंदा है हिंदी में बात हिंदी में सुनना चाहते हैं, इसलिए मैं हिंदी में बोल रहा हूँ। और इस टाइम में मेरा दोस्त बहुत सारे सब्सक्राइबर कम है यूट्यूब जो देख रहे हैं वो मेरा दोस्त है। कुछ हो जाए, कुछ गलत हो जाएगा तो वो लोग कुछ भी नहीं बोलेगा, ठीक है। इस तरह के आप KYC कर लीजिए। और आपको एक दिखाता हूँ, एक मैसेज आएगा करने के बाद, ये देखिए, ये जो मैसेज जो है यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा है डॉक्यूमेंट रिसीव KYC वेरीफाई, ठीक है। यहाँ पे बोल रहे हैं ए एजेंट नहीं आएगा तो भी कोई भी नहीं प्रॉब्लम होगा, वो डिजिटल KYC में हो जाएगा। आप लोग सोचेंगे ये क्या किस प्रकार से बोल रहे हैं, हम अमेजोन वाले से बात किया है, कस्टमर केयर से बात किए हैं, आप भी बात कर सकते हैं, तो किस प्रकार से आप बात करना चाहते हैं वो भी मैं बोल दे रहा हूँ। यहाँ पे जो थ्री डॉट है यहाँ पे क्लिक करिए, थ्री डॉट क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए कस्टमर सर्विस यहाँ पे लिखा हुआ है, कस्टमर सर्विस पे क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो है कॉन्ट्रागास यहाँ पे क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए कॉलर्स यहाँ पे क्लिक करिए। यहाँ पे एक प्रॉब्लम चूज कर लीजिए, यूजिंग अमेजोन पे सर्विस यहाँ पे क्लिक करिए। अमेजोन पे बैलेंस अकाउंट इशू यहाँ पे ये प्रॉब्लम चूज कर लीजिए। यहाँ पे कॉल करने के लिए यहाँ पे करना पड़ेगा कंटिन्यू टू कस्टमर सर्विस यहाँ पे क्लिक करिए। थोड़ा सा टाइम वेट कर लीजिए, ये देखिए यहाँ पे नंबर मांग रहा है, आपका जो भी नंबर है, जो भी फ़ोन नंबर यहाँ पे एडिट कर सकते हैं। यहाँ पे जो भी प्रॉब्लम नंबर है आप दे सकते हैं। देने के बाद क्या करना पड़ेगा आपको, जो भी नंबर है दे दीजिए। देने के बाद यहाँ पे दे दीजिए, देने के बाद यहाँ पे वो लोग कॉल करेगा, देख लेना। वो लोग कॉल कर रहे थे, इस तरफ से आपको कॉल आ जाएगा, कॉल उठा के कुछ कस्टमर के लिए को कुछ की दबाना पड़ेगा, की दबाइए और कॉल लग जाएगा, ठीक है। आज के लिए इतना तक, अच्छा रहिए। और वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक और डिसलाइक कर देना, और चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। चलिए फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, फिर से लोगों ने कॉल लगा दिया है।